Bismillahir Rahmanir Rahim. In today's tutorial, we will discuss electronic configuration. Electronic configuration means that how electrons are distributed amongst different areas or different orbitals around the nucleus. As we know that electrons are present around the nucleus in different areas, different regions. And we call those regions as orbitals. Electrons जो है वो nucleus के इर्द गिर्द जो है वो surrounding में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो areas हैं जो आपको ये axis नज़र आ रहे हैं, जो dimensions हैं, ये वो areas हैं जहाँ पर electron की probability होती है कि electron जो है यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, यहाँ मौजूद हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, और ये different वो areas हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी एक गिवन टाइम में जो है वो मौजूद होते हैं. और हमने इनके अरेंजमेंट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को इन डिफरेंट एरियाज़ में जो है प्रेडिक्ट करता है, प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मालूम करनी है कि एक एनी गिवन टाइम में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एरिया में मौजूद हो सकते हैं, वो होंगे. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इन एरियाज़ में जो है वो मौजूद की जो है वो जाहिर करते हैं, यहाँ पर जो है अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि इस टाइम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक गिवन टाइम में इस एरिया में है, इस रीजन में है, इस ऑर्बिटल में है, तो नेक्स्ट रीजन में जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो वाई ऑर्बिटल में, जेड ऑर्बिटल में, ये जो एक्सेस हैं, जो डायमेंशनस हैं, ये वो रीजन्स शो कर रहे हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को या नील बोर के एटॉमिक मॉडल को अगर हम देखते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है कि इलेक्ट्रॉन शायद ऐसे ही जो है वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे सन के इर्द गिर्द जो है डिफरेंट प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम ये बात याद रखेंगे कि सबसे पहले हमने लोवेस्ट एनर्जी शेल जो है वो फिल करने हैं, उसके बाद जो उससे हायर एनर्जी के होंगे उसमें फिलिंग होगी, और उसके बाद जो उससे हायर एनर्जी की फिलिंग होगी उसमें जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो शुरू करते हैं. इंशाल्लाह आपको जो है ये वीडियो जो है एंड तक देखेंगे तो आपको जो है वो कम्प्लीटली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ये गलत है. इलेक्ट्रॉन किसी एक टाइम में, किसी एक एरिया में, जो आपको सामने डायग्राम नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स या वो रीजन्स हैं जहाँ पर एक्स वाई जेड, ये जो है वो रीजन्स हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर है तो नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर हो सकता है. ये वो एनर्जी लेवल्स हैं जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल हैं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी प्लेस कर सकते हैं. जो एस के बाद जो है पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें छः इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं. जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो है छः के साथ मज़ीद फोर इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्स उसमें आ सकते हैं. और जो एफ इलेक्ट्रॉन सब शेल हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे. यानी आपने इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि एस शेल में आपने दो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम फिट करना है, पी शेल में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इसकी फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. इसके जो है एस पी डी एफ जो है ये क्या है, ये एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. तो अब जो है ये देखें आप कि जो वन हाइड्रोजन है, हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, हम इन सब शेल्स को जो है, जो शेल हैं यानी 1, 2, 3 या के एल एम, इनके जो सब शेल्स हैं एस पी डी एफ, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. इसमें हम जो है जो लोएस्ट एनर्जी को देखते हैं तो वो एस होता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ जो है वो लोएस्ट एनर्जी के शेल्स होते हैं.
सबसे पहले हमने लोवेस्ट एनर्जी शेल्स को जो है फिलअप करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से, 1, 2, 3 इस तरह से जो है ये अरेंज हुए होते हैं। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, सेकंड में हीलियम है जो आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम। तो इनकी जो है अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि हाइड्रोजन जो है इसके पास जो है एक प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके फर्स्ट शेल में जा रहा है। और इसका फर्स्ट शेल जो है वो आप देखें कि इसका फर्स्ट शेल वन वन शेल जो है शेल नंबर 1, उसके पास एक ही सब शेल है S। तो इसमें देखिए इसके एटॉमिक नंबर 1 है यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है S में। क्यों? क्योंकि S जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। जो हीलियम है उसके पास जो है 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन ही को क्या कर सकता है, जो S सबशेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। यानी फर्स्ट शेल में जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है, तो 1s2 यानी 1 की जो सब शेल S है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया गया है। इस तरह से लीथियम है, तो लीथियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। एटॉमिक नंबर 3 होने के फसाज इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में। अब हमारे पास जो है वो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई करें फर्स्ट शेल के सब शेल में, और सेकंड शेल जो है उसके पास जो है वो सब शेल कितने हैं, एस, एक एस है और एक पी है, 2s 2p जो है इनके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो सब शेल्स हैं। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो दूसरे शेल के एस सब शेल में चला गया। इसी तरह से जो है अब हम बेरिलियम को देखते हैं, तो बेरिलियम को देखें, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज कर दिया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में जो है एक सब शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2s2 उसमें जो है दूसरे शेल में जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेरिलियम के, सॉरी ये है, ये बोरॉन की हम जो है वो देख रहे थे, बेरिलियम जो है ये है 2s2, ये जो है फिर बोरॉन का है 1s2 2s2 और 2p1। यानी इसमें हम जो है वो देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेवल सब शेल्स में। फर्स्ट जो है हमारे पास एस शेल है, फिर पी है, फिर डी है और फिर एफ है। ये चार्ज जो है मेरा टैबलेट का ख़त्म हो रहा है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है बाकी समझते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सामने बोर्ड पर जो है आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, जिसका मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक सब शेल है एस, जो फर्स्ट शेल है उसका, उसके पास एक सब शेल है जो कि एस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से आ गया। इसके बाद जो सेकंड है वो है हीलियम। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है, इसका मतलब है कि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। फिर लिथियम की जो है वो 3 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, सेकंड शेल जो है उसमें 2 सब शेल हैं एस और पी, तो इसके एस शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, जिसका मतलब है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के सब शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका सेकंड शेल के एस सब शेल में आ गया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हुई। बेरिलियम की जो है वो हो गई है 1s2 2s2। बोरॉन की जो है वो है
1s2, 2s2 और 2p1। इसका मतलब है कि इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है दो फर्स्ट शेल में आए, फर्स्ट शेल के सब शेल में, सेकंड शेल के s सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन आए, और p सब शेल में जो है वो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचता है, तो वो हमने p सब शेल में इसको लेकर आए। तो फिर इसके बाद जो है वो कार्बन है, कार्बन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल थर्ड सेकंड शेल के सेकंड सब शेल में, पी सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन, के मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन और बर्दाश्त कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है अकोमोडेट कर सकता है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये 118 तक जानते हैं, मतलब इतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा है, तो हम इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी जो है यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं नोबल गैस कन्फिगरेशन। कार्बन की अगर आप देख लें, कार्बन की जो है वो 1s2, 2s2, 2p2 है, जैसे हम यहाँ पर देखें, इसको जो है कहते हैं नोबल गैस कन्फिगरेशन या नोबल गैस हीलियम कन्फिगरेशन जो है वो कहते हैं। नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, उनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप हीलियम में देखते हैं स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल गैस है, इनर्ट गैस है। इसने जो है क्या किया, जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसके इस सब शेल में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1s2 और ये 1s2, इसकी जो है नोबल गैस की जैसे कन्फिगरेशन है, तो हम लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए ये नोबल गैस कन्फिगरेशन यूज़ करते हैं। हमें जो है इससे पता चलता है कि इसकी 1s2 है, बाकी जो है वो इसमें ऑड नंबर जो है वो उसके यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ये हम इस तरह की नोटेशन जो है वो कन्फिगरेशन में यूज़ करते हैं। डियर्स, हम इसको एक मरतबा फिर रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सब शेल में उसके एनर्जी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारे पास जो सब शेल्स हैं वो हैं एस पी और डी सब शेल्स हैं। एस पी और डी सब शेल में जो है हम देखते हैं कि एस शेल में जो है वो मैक्सिमम हमारे पास आते हैं, एस में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी में जो है हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी में जो है हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और एफ शेल में जो है वो हमारे पास होते हैं 14। यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करते हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास ये वाले आते हैं, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये वाला सब शेल, और इसके बाद ये सब शेल। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी को जो है करते हैं, तो ये जो है ये क्या है, ये लोवेस्ट एनर्जी शेल है, लोवेस्ट एनर्जी सब शेल्स, और ये जो है एफ जो है ये क्या है, ये हाईएस्ट एनर्जीज सब शेल्स। जरा हमें पता है कि हम जो है इसको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमें हमारे जो है डिमांड क्या होते हैं, हम जो है वो एटॉमिक नंबर को देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो है हमें पीरियोडिक टेबल से जो है वो पता चलता है। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से जो है वो अरेंज हुए होते हैं, एटॉमिक नंबर से जो है वो अरेंज होते हैं सारे। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से जो है हमें इसके एटॉमिक नंबर पता चलता है, और हमें इसके एटॉमिक नंबर से ये पता चलता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाता है तो हमें पता होता है कि जो के शेल है उसके पास सिर्फ एक एस शेल सब शेल है जिसको एस शेल बोलते हैं, जो एल शेल है उसके पास जो है दो सब शेल हैं जिसको एस और पी जो है सब शेल कहते हैं, जो डी सब शेल है उसके पास 4 हैं, जो एफ सब शेल है उसके पास 5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इस तरह से इनमें इंक्रीजिंग नंबर जो है वो ऐड करते जाते हैं कि मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं, और ये जो है आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन है। होप दिस मेक सेंस टू यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है वो इस यूनिट का करेंगे। अल्लाह हाफिज़।